नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर स्वागत करता हूं आपको हेल्थ प्लस चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था इनफर्टिलिटी के बारे में, मतलब इनफर्टिलिटी का मतलब होता है संतानहीनता, मतलब कि कोई भी मैरिड कपल 10 या 12 महीने से बच्चा पैदा करने की इच्छा से कंसीव करने की कोशिश करते हैं मगर वो असफल हो जाते हैं, उसी स्थिति को इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसका कारण पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, मतलब पुरुष किन किन कारणों से इनफर्टिलिटी का भागीदार हो सकता है। आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी की, मतलब कि महिलाओं में किन किन रोग के कारण, किन किन कमियों के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। पहली चीज, ओवुलेशन डिसऑर्डर। ओवुलेशन मतलब कि प्रत्येक स्त्री में प्रत्येक माह एक ओवम रिलीज होता है। अगर वो ओवम समय से रिलीज नहीं हो या मैच्योर रिलीज नहीं होता है, इसे ही ओव्यूलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसके कारण पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी समय से पहले पीरियड्स आते हैं, कभी समय के बाद पीरियड्स आते हैं और कभी साइकिल्स में एक से ज़्यादा बार पीरियड्स होने लगते हैं। इस अवस्था को हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। अगर यह अवस्था काफ़ी समय तक रहती है तो यह एक कारण बन जाती है फीमेल इनफर्टिलिटी का। इसको हम FSH और LH हार्मोन की जांच के द्वारा पता कर सकते हैं। दूसरी स्थिति होती है PCOD, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आज के समय में बढ़ता जा रहा है, इसके पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण बन गया है इनफर्टिलिटी का, फीमेल इनफर्टिलिटी का ये एक मुख्य कारण आज के टाइम में बनता जा रहा है। तीसरी चीज़ है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब समय से पहले ओवुलेशन का बंद हो जाना। कई बार ऐसा होता है कुछ लेडीज़ में 40 साल से पहले उनकी जो ओवरीज में जो ओवम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस अवस्था को प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। इसकी जांच हम AMH के द्वारा कराते हैं। AMH मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन। इससे हमें यह पता चल जाता है कि आगे के समय में ओवरीज की कितनी कैपेसिटी है ओवम को रिलीज़ करने की। आज के टाइम में ये परेशानी बढ़ती जा रही है। 40 साल से पहले लेडीज़ में AMH बहुत लो हो जाता है, मतलब जो उनकी ओवरीज की जो कैपेसिटी होती है ओवम रिलीज़ करने की वो कम हो गई है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। कई बार इन्फेक्शन्स फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन्स हो जाते हैं या कोई डैमेज हो जाता है या पेल्विक रीजन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। और फेलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाती है उसके कारण जो ओवम होता है वो यूट्रस तक नहीं आ पाता है, और यूट्रस में नहीं आने के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो कंसीव नहीं कर पाती है लेडीज़। ट्यूबरक्लोसिस भी एक कारण है फेलोपियन ट्यूब का बंद होने के कारण, या फिर यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है या थिन हो जाती है, जिसे एंडोमेट्रियम थिकनेस कहते हैं, या फिर उस पर सिस्ट हो जाता है या किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। HSG एक टेस्ट होता है जिसमें आयोडीन के थ्रू एक एक्सरे करा जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि ओवरी का जो रास्ता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब कहीं ब्लॉक तो नहीं है, या फिर यूट्रस की शेप क्या है, यूट्रस की शेप डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है। तो इससे भी हमें काफ़ी कुछ ओवरीज़ के बारे में और फेलोपियन ट्यूब के बारे में और यूट्रस के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे मोटापा। आजकल लेडीज़ों का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एक्सरसाइज की कमी होने के कारण, बहुत सारे कारण, खाने पीने के कारण उनका वज़न बढ़ जाता है, जो एक मुख्य कारण बन गया है इनफर्टिलिटी का। स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं आजकल हाउसवाइफ हों या वर्किंग वूमेंस हो, उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो गया है, और जब स्ट्रेस होता है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो ओवुलेशन ठीक से नहीं होगा, ओवुलेशन सही से नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी होनी ही होनी है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये भी लेडीज़ में बहुत चलन बढ़ गया है, ये शौक हो गया है और आजकल की पार्टीज़ में इसको ज़्यादा इंजॉय करने लगे हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। ऐसे डाइट में बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे रेगुलर अगर फॉलिक एसिड की कमी आ रही है डाइट में, या आयरन की कमी है, या B12 की कमी है, D3 की कमी है, मतलब रेगुलर डाइट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो जाती है।
बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, रेडिएशन या कीमोथेरेपी करने के कारण उनकी इनफर्टिलिटी एक कारण बन गई है। कुछ लेडीज़ों को कई बार जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है या हेडेक है या बैकएक है, तो वो काफ़ी समय से जानकारी नहीं होने के कारण काफ़ी समय से जो है पेन किलर्स खाती हैं। पेन किलर्स ज़्यादा समय तक खाने के कारण भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर मेल इनफर्टिलिटी के साथ साथ अगर फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो रही है तो यहाँ पे हमें कोशिश करना चाहिए कि दोनों का ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर फीमेल्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हमें पता चल जाता है कि यूट्रस में कोई कमी है या सिस्ट है या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या हार्मोन्स इम्बैलेंस है, प्रॉपर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपका जो सोल्यूशन है वहीं पर ही मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, वैसे जेंट्स में उनके हस्बैंड में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पर्म्स का कंसंट्रेशन, उसकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सारी नॉर्मल होती हैं, फिर भी दोनों जने असक्षम होते हैं कंसीव करने के लिए। ऐसी स्थिति को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि कई बार क्वालिटी, जैसे फीमेल्स में ओवम की क्वालिटी डाउन होने के कारण या फिर मेल्स के जो स्पर्म्स की क्वालिटी डाउन होने के कारण वो कंसीव नहीं कर पाते, ऐसी अवस्था में आप किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए और वो आयुर्वेदिक फिजिशियन आपके जो स्पर्म्स की और जो ओवम की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट की आपको मेडिसिन देंगे जो बहुत सक्षम है इस तरीके की परेशानी से बचने के लिए। बाकी आप अपने दिनचर्या में कुछ सुधार करने की कोशिश कीजिए, जो आपका स्ट्रेस वाली लाइफ है उसको आप अवॉइड कीजिए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए, अगर आप किसी तरीके का नशा करते हैं आप उसे बंद कीजिए, डाइट को अच्छी से अच्छी लीजिए जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, B12, D3 वो सारे प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलें, और किसी भी प्रकार की जो भी कोई आपकी आस्था है उसमें आप विश्वास कीजिए। एक विश्वास, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसी तरीके से आप इस परेशानी से बच सकते हैं। इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण अज्ञानता भी है। लोगों को कई बार इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि कब शारीरिक संबंध बनाने से बच्चा होता है, उनको शायद पूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण या फिर वो लोग अपने उठने बैठने वालों के साथ या रिश्तेदारों से जानकारी लेते हैं जिसके कारण वो इसमें असक्षम होते हैं इनफर्टिलिटी कंसीव करने में। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, जब भी पीरियड्स शुरू होते हैं, मतलब पीरियड्स के फर्स्ट डे, मान लीजिए आज तारीख 10 तारीख है, 10 तारीख में आप 14 डेज ऐड कर दीजिए, मतलब 24 तारीख से लेके 6-7 दिन तक का ओवुलेशन पीरियड होता है। मतलब पीरियड्स के फर्स्ट डे में अगर आप 14 डेज ऐड करते हैं और उसके बाद के जो 6-7 दिन होते हैं वो ओवुलेशन टाइम पीरियड होता है, और उस समय में अगर आप शारीरिक संबंध बनाएंगे तो पूरे चांसेस होंगे कंसीव करने के। इस तरीके की बहुत सारी छोटी बड़ी बातें होती हैं जिसे हम अवॉइड करते हैं और वही बीमारी के कारण बन जाते हैं। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने एक चीज़ देखा है कि कुछ पुरुषों से मैंने बात करी है तो वो ये बात कहते हैं कि वो पूरे महीने बहुत अच्छा सेक्सुअल फिट रहते हैं, बट जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो वो उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक्चुअली क्या होता है, जब पुरुषों को पता होता है कि ये ओवुलेशन टाइम है, इस पे रिलेशन बनाने से कंसीव होता है, तो वो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, उन्हें एंजाइटी हो जाती है, एक फियर डेवलप हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है जिसके कारण उनका इरेक्शन कम हो जाता है। तो मेरा उन लोगों से मानना ये है कि आप जब भी शारीरिक संबंध बनाएं तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत लीजिए, मतलब ये दिमाग में रखिए नहीं कि आप शारीरिक संबंध सिर्फ बच्चा पैदा होने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का स्ट्रेस हस्बैंड वाइफ दोनों में होगा तो वो हमेशा असक्षम होंगे। आप अपनी खुशी के लिए रिलेशन बनाइए और कभी भी टाइम पीरियड को इतना ज़्यादा नोटिस मत कीजिए। अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप समय को बिल्कुल भी कैलकुलेटेड मत कीजिए। समय के साथ साथ आप इस तरीके का, अगर आप समय को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेस दिमाग पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग पे स्ट्रेस आता है तो आपके परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस कम होने के कारण वो भी एक बड़ा कारण बनती है इनफर्टिलिटी का। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरी क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। कई बार मैंने
टेस्ट कराया, 15 दिन में बढ़ जाते हैं, 15 दिन में घट जाते हैं, फिर 1 महीने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इतना ज़्यादा जो वेरिएशन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो मुझे कुछ चीज़ें मिली, जैसे वेरिकोसील वाली प्रॉब्लम मिली। तो वेरिकोसील को कई डॉक्टर्स अवॉइड कर देते हैं या एपिडर्माइटिस को अवॉइड कर देते हैं। ये दोनों ही बीमारी मेल्स में टेस्टिकल्स में होती है और जिसके कारण टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है या इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो कई बार हम ट्रीटमेंट के दौरान स्पर्म्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने का ट्रीटमेंट दे देते हैं, मगर हम यह नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है। हम 2-3 महीने इलाज करते हैं, फिर भी पता चलता है स्पर्म काउंट जितना पहले था उससे भी कम आ गया या उतना ही है। तो कई बार कारणों को भी ढूंढना पड़ता है। इसलिए अगर इस तरीके के केसेस हैं तो हम अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो स्पर्म की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उसकी मोटिलिटी बढ़ाने के साथ साथ अगर हम देखते हैं कहीं उसका कारण इन्फेक्शन तो नहीं है, और साथ में अगर हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं या वेरिकोसील या एपिडर्माइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन है आप उनसे सलाह लीजिए, आपकी बीमारी का सुझाव ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे किसी और की परेशानी, शायद आपके आसपास आपके रिश्तेदार आपके दोस्त इस परेशानी से जूझ रहे हों, शायद उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।